PSU इंडेक्स में या फिर PSU स्टॉक्स में एक जबरदस्त रैली हम अभी यहां पे देख रहे हैं तो इसके पीछे के रीजंस क्या है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं सो uh, so, uh, अगर निफ्टी 50 का हम रिटर्न देखते हैं सिंस फर्स्ट फेब 2021 थाउजेंड टिल थर्ड ऑफ मार्च 2021 so Nifty 50 has given returns of 4.08 percent, BSE Sensex has given returns of 5.85 percent, but अगर बी एस सी पी एस यू इंडेक्स की बात हम करते हैं सो फ्रॉम फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड एटी टू दिस इंडेक्स इज एट सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी फोर सो ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव परसेंट का रैली हम यहां पर पीएसयू इंडेक्स में देख रहे हैं अगर ये रैली का एक कंपैरिजन किया जाएगा सो इट इज बिगेस्ट मंथली गेन इन नियरली सेवन ईयर्स ऐसा एक सेम रैली हुआ था इन द मंथ ऑफ मई 2014 याद है आप लोगों को अच्छे दिन आने वाला वो पीरियड था और उसमें मार्केट ने जिस तरीके के रिटर्न्स दिए थे के जो पीएसयू टू प्राइवेटाइज प्राइवेटाइजेशन का एक ड्राइव आ सकता है बिकॉज वी हैव स्ट्रांग गवर्नमेंट नाउ एंड दे बी एबल टू टेक दिस पर्टिकुलर एजेंडा फॉरवर्ड

ये चीज हो सकती है प्राइवेटाइजेशन हो सकता है सो so अभी अगर हम टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल पीएसयूज देखेंगे सो so इज एट 19.45 लाख करोड़ रुपीस दिस इज हाईएस्ट सिंस 2017 अब इस रैली के पीछे के तीन रीजन है उन रीजन को भी हम यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं फर्स्ट रीजन गवर्नमेंट इंक्रीज फोकस ऑन प्राइवेटाइजेशन सेकेंड रीजन रैली इन ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस इसको हम कैसे पी एस यू के साथ लिंक करेंगे यह भी आप देखिएगा एंड द थर्ड रीजन इज चीपर वैल्यूएशन एंड पॉसिबल री रेटिंग सो पॉसिबल री रेटिंग मतलब ये जो सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके माइंड में अगर चेंज हो गया एक बार परसेप्शन बल्क बाइंग कैन कम और उसके हिसाब से रीरेटिंग हो सकती है सो नाउ दर्स्ट पॉइंट गवर्नमेंट इनक्रीज फोकस ऑन प्राइवेटाइजेशन सो इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ एफ आई ट्वेंटी टू गवर्नमेंट का जो डिस uh, इन्वेस्टमेंट का टारगेट है वो काफी एम्बिशियस है एंड वो है वन पॉइंट सेवन फाइव लाख करोड़ रुपीज द सेंटर हैज सेड इट ऑल्सो प्लान टू मोनिटाइज गवर्नमेंट ओन्ड एसेट्स वर्थ 2.5 लाख करोड़ रुपीस तो डायवेस्टमेंट uh, तो करेंगे ही करेंगे लिस्टेड कंपनीज में या फिर कंपनीज को लिस्ट करके बट इवन जो गवर्नमेंट ओन्ड एसेट्स है उनको भी मोनेटाइज किया जा सकता है बाय सेलिंग सो ये 2.5 लाख करोड़ रुपीस का टारगेट यहां पे गवर्नमेंट ने रखा है सो गवर्नमेंट प्लान टू प्राइवेटाइज टू पी एस यू बैंक एंड इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमने देखा है हेल्थ केयर पे देखा है फार्म सेक्टर्स पे देखा है विदाउट रिसॉर्टिंग टू हाइयर टैक्सेशन मतलब नॉर्मली क्या होता है कि आ, या तो आप इनकम टैक्स बढ़ा दो किसी पे सेस बढ़ा दो या फिर सर्विस टैक्स जीएसटी जो है उसके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दो तो ये नॉर्मली इस तरीके से गवर्नमेंट जाता है बट दिस टाइम गवर्नमेंट इज सेइंग कि भाई हम जो हमारे पास एसेट्स से, है उनको सेल करके ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स है उनको कंप्लीट करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी इसमें बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि आ, मतलब जो देश के एसेट्स है रत्न है उनको सेल करके यहाँ पे ये मतलब पैसा रेज किया जा रहा है अल्टीमेटली इट इज वन एंड द सेम आप ये करो या फिर आप जो टैक्स टैक्स देने वाली जनता है उनको और ज्यादा आप उनको बर्डन बर्डन करो वहां पे सो आई थिंक दिस टाइम गवर्नमेंट हैज कि भाई हम जो हमारे एसेट्स है जो उनको मोनिटाइज किया जाएगा जो हमारे पास लिस्टेड कंपनीज है वहां पे डिसइन्वेस्टमेंट होगा एंड दैट्स हाउ दे आर कमिंग अप विद प्लान सो इन द यूनियन बजट एफ आई ट्वेंटी टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 5.54 लाख करोड़ रुपीज एफआई ट्वेंटी टू की हम बात कर रहे हैं दिस इज अपनी हम एफ आई ट्वेंटी वन की बात करते हैं सो फ्रॉम फोर पॉइंट थ्री नाइन लाख करोड़ रुपीज टू फाइव पॉइंट फाइव फोर लाख करोड़ रुपीज सो द बजट ऑल्सो आउटलाइन द एडिशनल फाइनेंशियल एवेन्यूज टू अटेन द सेम थ्रू सेटिंग अप ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मोनिटाइजेशन ऑफ इंफ्राइसाइट एंड डिसइनवेस्टमेंट प्लान ऑफ अ नॉन कोर एसेट तो ये सारे एंगल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर लिए हुए हैं सो विल बी एबल टू इंप्लीमेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ देर इज अनादर रीजन विच इज ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस सो द रिसेंट रैली रिफ्लेक्ट्स अ पॉजिटिव व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स वर्ल्ड वाइड रिगार्डिंग कमोडिटीज क्वांटिटेटिव यूजिंग पॉलिसीज इन मेनी कंट्रीज आर जनरेटिंग लिक्विडिटी विच इज ऑल्सो टू बूज द कमोडिटी प्राइस अब यहां पर दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पेकुलेशन ऑल्सो अल्टीमेटली अगर फ्री पैसा प्रिंट होता है तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं बट उन साइड इफेक्ट्स के कुछ अच्छे इफेक्ट्स कुछ सेक्टर्स पे भी हो सकते हैं सो इन दैट केस कमोडिटी इज वन सेक्टर सो स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी इज अराउंड द कॉर्नर विच इज अ फीलिंग वी आर गेटिंग एवरीबडी इज गेटिंग बिकॉज वैक्सीनेशन ड्राइव जिस तरीके से बढ़ रहा है जिस तरीके से स्टिमुलस दिए गए हैं सो होपफुल आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगी एंड अ सस्टेन डिमांड इज गोइंग टू हेल्प द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी

ऑफ गैस एंड ऑयल सेक्टर एंड मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर रिस्पेक्टिवली सो जहां पे कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 36 टू 37 परसेंट तक का जो वेटेज है पीएसयू में इंडेक्स में वो ये सेक्टर को कमोडिटी सेक्टर को बिलोंग uh, करता है सो so, डेफिनेटली अगर इंक्रीज प्राइसेस रहेंगे तो इनके रिवेन्यूज भी बढ़ेंगे और प्रॉफिट भी बढ़ेंगे सो दैट इज वन रीजन वाई द पी एस यू स्टॉक्स आर रैलिंग द लास्ट रीजन इज so cheaper valuations, uh, high dividend yield, strong cash flows of several PSUs make them ideal re candidates. So, आपको ग्रोथ भी नजर आ रही है गवर्नमेंट का इंटेंट भी समझ में आ रहा है प्राइवेटाइजेशन का सो so, डेफिनेटली यहां पर री रेटिंग हो सकता है फ्रॉम दी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कंपनी uh, के वैल्यूएशन यहां पे बढ़ा सकता है दो डिस्पाइट in इन overall मार्केट पीएसयू स्टॉक्स आर स्टिल अवेलेबल मच चीपर इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वैल्यूएशन टू देयर रिस्पेक्टिव सेक्टर्स अब जैसे कि एम का एक एग्जाम्पल लेते हैं करंट पी रेशियो इज ट्वेंटी एवरेज जो है फाइव ईयर्स का वो टेन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अगर हम यहाँ पे पी uh, रेशो -E देखते हैं तो विच इज एट थर्टी थ्री पॉइंट सेवन ट्वेंटी फाइव नाइन इज दी फाइव ईयर एवरेज तो ये दो स्टॉक्स uh, जो है वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से काफी ऊपर है आर की अगर हम बात करते सो so, पांच साल का पी रेशियो -E जो है एवरेज पी रेशो वो भी ट्वेंटी फोर है एंड अभी भी ट्वेंटी फोर है एन बी सी सी पांच साल का एवरेज पी रेशियो इज वन जीरो फाइव करंट लीड इज एट थर्टी फोर पॉइंट नाइन एंड इंडियन बैंक पांच साल का पी इज एट इलेवन पॉइंट सिक्स थ्री एंड करंट पी इज एट पॉइंट थ्री नाइन दीज आर सम which we are trying to say, ki there are some uh, cases, kijahapa valuation, higher compared to five-year valuation, zada nazar hai, but more, in most of the cases, i think uh, the valuations are reasonable, cash flows are quite rich, dividend yield is also very high. so i think a lot of uh, institutional investors are feeling uh, the valuations are quite cheap or attractive, and that's why this rally is there. लेट सी गवर्नमेंट कैसे पुष्ट करता है जल्द आ सकता है सो लेट सी की यह सारी चीजें कैसी होती है और उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि क्या एक्चुअली निकल के आता है इसमें से या ये भी एक वन और टू मंथ का रैली था एंड देन दस लगी कंटिन्यू सो लेट्स ऑल होप दैट दिस टाइम इट विल बी सक्सेसफुल सो आई होप दोस्तों की आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब प्लीज विजिट इन्वेस्ट डॉट इन और वहां जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब कर सकते हो इसके रिलेटेड कुछ आपके क्वेरीज है कॉल कीजिए में लिखे विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रेंड एंड थैंक यू ये प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव है यू विल गेट फ्लैट थर्टी थ्री परसेंट डिस्काउंट ऑन आर मॉडल पोर्टफोलियो तो वो भी आपको सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज का मॉडल पोर्टफोलियो यू विल गेट इट एट फाइव थाउजेंड रुपीज एंड उसमें आपको सेवन टू एट मॉडल पोर्टोलियोज मिलेंगे स्टॉक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक स्टॉक प्लस म्यूचुअल फंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू यर रिस्क प्रोफाइल ऑल्स वैल्यूशन वैल्यू मॉडल पोर्टफोलो इज ऑल्सो देर ग्रोथ मॉडल पोर्टफोलियोज ऑल्सो देयर स्मॉल एंड मिड कैप मॉडल पोर्टफोलोज ऑल्सो देर सो वी होप दट यू विलक इट तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पर बने रही और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे जाग्ञा दीजिए दोस्तों जय हिंद